आगर मालवा में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने आगर पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सगर को ज्ञापन के माध्यम से बताया है कि एक विवाहित युवती जिसको उसके ससुराल वाले दहेज के लिए परेशान कर रहे हैं और पीड़िता ससुराल वालों पर कार्रवाई करवाने के लिए लंबे समय से आगर कोतवाली थाने के चक्कर भी लगा रही है, लेकिन अभी तक पीड़िता के ससुराल पक्ष के लोगों के ऊपर कोतवाली पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके बाद में आज युवती विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के पास मदद की आस लेकर पहुंची। संगठन के कार्यकर्ता जब युवती की मदद करने के लिए थाना प्रभारी हितेश पाटिल से बात करने पहुंचे, तो थाना प्रभारी ने उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उन्हें झूठे प्रकरण में फंसाने की धमकी देते हुए कहा कि ऐसे कितने ही संगठन पड़े रहते हैं हमारे यहाँ पर, मैं तुम सबको एक ही बार में संगठन सिखा दूंगा, सबको अंदर करना आता है मुझे, तुम संगठन के होंगे तो मेरी भी राजनीति बहुत ही ऊपर तक है। थाना प्रभारी के इन शब्दों से आहत होकर कार्यकर्ता ने ज्ञापन सौंपकर एसपी राकेश कुमार सागर से थाना प्रभारी हितेश पाटिल के ऊपर उचित कार्रवाई करने की मांग भी की है। आगरमाला से ओम प्रकाश सूर्यवंशी की रिपोर्ट।